So hey guys, welcome on my YouTube channel of Skying Lecture by Tarangni Goswami. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेजाइनल सिक्रीशन और डोडल एंड वेसलाई के बारे में. बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इतना कुछ टफ नहीं है, तो हम अच्छे से इसको समझेंगे. इसके अलावा मैंने प्रीवियस और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू ऑफ स्काइनिंग, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए. सो सबसे पहले बात करते हैं वेजाइनल सिक्रीशन के बारे में. दैट मीन्स कि जो वेजाइना से सिक्रीशन होता है हम उसको डिस्कस करेंगे. टॉपिक यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, दैट इज द व्हेन, मतलब कब होता है, कितना होता है, कहाँ से डिराइव होता है और उसका पीएच क्या होता है. सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन, कब होता है. सो सबसे पहले मिड मेनस्ट्रुअल, दैट मीन्स जिस दिन ओव्यूलेशन होता है या उसके आसपास, उस टाइम पे वेजाइनल सिक्रीशन होता है. दूसरा व्हेन में आता है, दैट इज द ड्यूरिंग मेंसेस, उस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट. तो इन चार टाइम पर वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं. सो अभी सबको समझ आ गया कि व्हेन. नाउ सेकेंड इज दैट हाउ मच, कितना सिक्रीशन होता है. सो नॉर्मली इतना सिक्रीशन होता है कि वेजाइना का जो एपिथीलियम है वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होता है. उसके बाद आता है डिराइव फ्रॉम. सो वेजाइनल सिक्रीशन कहाँ से डिराइव होता है. सो जो ग्लैंड्स होती हैं सर्विक्स की, वहाँ से जो सिक्रीशन है वो, यूट्राइन सिक्रीशन थोड़े बहुत होते हैं वो, उसके अलावा वार्टोलिन ग्लैंड जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट कुछ म्यूकस रिलीज करती है वो, एंड थोड़ा बहुत जो एपिथीलियम, वेजाइनल एपिथीलियम सिक्रीट करती है सिक्रीशंस को वो. तो ये सारे सिक्रीशंस आते हैं इन दी वेजाइना. नाउ नेक्स्ट इज दी अबाउट दी पीएच. सो पीएच कैसा होता है. सो वेजाइनल पीएच इज एसिडिक. क्यों एसिडिक होता है. अगर वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होगा तो वहां पर और बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगेंगे, ठीक है. तो इसीलिए वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है. नाउ हम बात करेंगे अबाउट दी डोडल एंड वेसलाई के बारे में. ये बेसिकली एक तरीके का वेसलस है, ठीक है. इट इज अ रॉड शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. इट इज एन एरोबिकली, ठीक है. तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इट इज एन एरोबिक. डोडल एंड वेसलाई इज मेनली रिलेशन विद द ईस्ट्रोजन. दैट मीन्स कि जब ईस्ट्रोजन होगा तब ये डोडल एंड वेसलाई होगा, अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो ये डोडल वेसलाई भी नहीं है. अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और विथ ऑल द बेसिक्स, सो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको वेजाइना के बारे में बताया है और साथ ही साथ ये ईस्ट्रोजन और डोडल एंड वेसलाई के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि ये डोडल वेसलाई आता कहाँ से है. सो ये बेसिकली इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो वहां से ये वेजाइना में आ जाता है. नाउ काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका. सो बेसिकली जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन भी कब होगा, जब ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा. सो ये सारा एक मिला जुला इनकी खिचड़ी है, तो अगर उस खिचड़ी को समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना. तो ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड. कन्वर्ट क्यों, कैसे होता है, ये महाराज आते हैं डोडल एंड वेसलाई और ये ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. अब यहाँ पर एसिड बना है तो सिंपल सी बात है कि पीएच कैसा हो जाएगा वेजाइना का, एसिडिक हो जाएगा. और जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. सो इससे बाहर के जो और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. काफी बेसिक सा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है. इन द नेक्स्ट वीडियो हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑब्सकाइनी. सो ट्राई टू शेयर माई वीडियोज with your friends and subscribe my YouTube channel, like the video, and we'll see you next video.